हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तेरा आज की वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा फेवरेट गेम GTA 5। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि फ्रैंकलिन के साथ जब हम खेल रहे थे तो फ्रैंकलिन के दोस्त की यानी लेमार जो हमारा दोस्त है फ्रैंकलिन का, उसके दोस्त की हमने मदद करी थी। तो वो चाहता था हमारी मदद से, वो किसी गैंगस्टर से लड़ना चाहता था और उस गैंगस्टर को हमने लड़के हरा दिया था। तो वहां से भी हम गेम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी हम माइकल के साथ खेलने वाले हैं, फ्रैंकलिन के साथ नहीं खेलेंगे। तो अभी चलते हैं अपनी कार में बैठ के और देखते हैं हमें करना क्या होगा। सबसे पहले मैं लेस्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं माइकल के घर ही चलता हूँ और देखते हैं मैं वहाँ पे करना क्या होगा। और हमारा घर बिल्कुल सामने ही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे अभी फ्रैंकलिन हमारी मदद करने के लिए आएगा, तो देखते हैं अभी यहाँ पे होगा क्या। ओके, तो मिशन का नाम आ गया है कि डैडीज लिटिल गर्ल। मिशन का नाम है डैडीज लिटिल गर्ल। तो शायद से ये जो मिशन होने वाला है ये हमारी मतलब बेटी के बारे में होने वाला है। ओके, तो भाई फ्रैंकलिन सॉरी माइकल तो यहाँ पे भाई खा रहा है अपना से चिप्स। यहाँ पे यार कैरेक्टर इतने सारे हैं कि नाम भूल जाता हूँ कि किसको कब क्या बोलना है। ओके, तो भाई माइकल अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है टीवी देखने में क्योंकि इसका जो बेटा है वो बहुत ज्यादा गेम खेलते हुए चिल्ला रहा है। तो भाई माइकल ने टीवी बंद कर दिया। मुझे लग रहा है अभी माइकल वाट लगाएगा अपने बेटे की। ओके, तो भाई अभी माइकल का बेटा गेम खेल रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है गेम खेलता हुआ अभी। ओके भाई साहब, तो भाई इसको बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ओ भाई माइकल ने पूरा का पूरा टीवी तोड़ दिया क्योंकि अभी अभी माइकल का बेटा यानी ये जिमी बहुत बदतमीजी से माइकल से बोल रहा था, कह रहा था जो भी तुम्हें देखना है वो तुम जाके देख सकते हो और बड़ी मिसबिहेविंग करता है अपने बाप के साथ। ओके ओके, तो माइकल ने अभी अपने बेटे से बोला तुम मुझे इतना भला बुरा बोलते हो तो मुझे तुम मारते क्यों नहीं हो। तो माइकल का बेटा बोल रहा है क्या तुम यही चाहते हो। माइकल ने बोला मैं ऐसा तो नहीं चाहता, मैं तुम अच्छा बच्चा बनना मतलब चाहता हूँ तुम अच्छे अच्छे बनो, लेकिन तुम बनते क्यों नहीं हो। ओके, तो भाई अभी भी माइकल का बेटा बोल रहा है जिमी कि तुम मुझे आई लव यू तो बोलते नहीं हो और उल्टा तुम मेरा टीवी तोड़ देते हो, तुम इस तरह का मेरा प्यार करते हो। ओके, तो भाई सॉरी बोल रहा है Michael. Just wish we could do things together. Okay. What things? I don't know. Go for walks. Okay. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride. ओके, तो भाई माइकल अभी अपने बेटे से बोल रहा है कि मैं चाहता था शुरू से ही, हमेशा से मैं चाहता था कि मैं अपने बेटे के साथ कुछ ना कुछ करूं, मतलब जो भी करूं अपने बेटे के साथ करूं। तो भाई अभी अभी हमने ये डिसाइड किया अपने बेटे के साथ कि अभी हम एक बाइक राइड पे जाएंगे। तो अभी हम बाइक राइड पे जा रहे हैं अपने बेटे के साथ, देखते हैं अभी मैं करना क्या होगा। ओके, तो अभी हमें एक स्टैंड पे जाना पड़ेगा, यानी शायद से वो बाइक का कोई स्टैंड होगा जहाँ पे बाइक शायद से मिलती है रेंट वगैरह पे। तो वहाँ हम जाएंगे और अपने बेटे के साथ बाइक चलाएंगे। अब भाई जल्दी से बैठ जा यार, ये जो दूसरे कैरेक्टर होते हैं जब गाड़ी में बैठने वाले होते हैं बड़ा टाइम लेते हैं। ओके, तो भाई जल्दी से अब चलते हैं अपनी लोकेशन पर, देखते हैं हमें करना क्या होगा। ओके, तो भाई अभी हमारा बेटा बोल रहा है जिमी, ओ भाई साहब हमारा बेटा जिमी हमें बोल रहा है कि तुम बिल्कुल एक साइकोपैथ की तरह गाड़ी चला रहे हो, मतलब तुम्हें गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, क्या तुम्हें एहसास भी है तुम चलाते कैसे हो गाड़ी। तो ये सब हमारा बेटा हमें बोल रहा है अभी भी। ओके, तो भाई अभी हमारा बेटा बोल रहा है कि तुम मुझे बोलते हो कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती और तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाने में, तुम्हें खुद ये प्रॉब्लम होती है, मतलब ये हमारा बेटा बोल रहा है हमें अभी सब। ओके, तो मुझे लग रहा है अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बीच की तरफ शायद से गाड़ियां वहां पे मिलती होंगी, गाड़ियां कह रहा हूँ सॉरी बाइसिकल मतलब जिन पे हम राइड करेंगे। तो भाई फाइनली हम यहाँ पे अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये एक बीच है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करना होगा। और मुझे सामने साइकिल्स दिख रही हैं, बहुत सारी बाइसिकल्स दिख रही हैं, तो हमें वहाँ जाना होगा और एक बाइसिकल उठानी होगी। तो मैं कोई जल्दी से बाइसिकल उठा लेता हूँ और मैं ये वाली लूंगा यार, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, बाकी सब तो यार बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रही हैं। तो देखते हैं अभी मैं करना क्या है। तो जिमी भी एक बाइसिकल पे आ रहा है और हमें भाई ओके मैं समझ गया, हमें अभी जिमी के साथ रेस लगानी होगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि रेस जिमी,
टू द पियर। ओके, तो हमें किसी जगह पे जाना है और जिमी को हराना होगा। ओके, तो जिमी तो काफी ज्यादा पीछे है अभी, और देखते हैं हम जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। ओ भाई, जिमी तो बहुत तेजी से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे एट दबा के मैं देखता हूँ एट दबाने से होगा क्या। ओके भाई, जिमी तो बहुत तेजी से आ रहा है, पर मैं ट्राई करूंगा कि जीतूं मैं ही, क्योंकि शायद से हमें जीतना होगा, क्योंकि अगर हम जीतेंगे नहीं तो शायद से मिशन फेल हो जाएगा। ओके, तो भाई अभी भी जिमी बोल रहा है कि अगर मैंने तुम हरा दिया तो मुझे टीवी दिलाना होगा। ओके, तो भाई मुझे जल्दी से जीतना होगा, और मैं ट्राई कर रहा था मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए, लेकिन वहां पे तो मुझे कोई शॉर्टकट मिल नहीं पाया। तो हमें बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग ही जाना होगा, क्योंकि जिस जगह पे हम चल रहे हैं, जो मैप हमें शो कर रहा है, वो एक ऐसा रोड है, मतलब जहाँ पे हमारी जो बाइसिकल है वो ज्यादा तेजी से दौड़ पाएगी। ओके, तो भाई अभी जिमी आगे निकल गया है मेरे ख्याल से, और मैंने गड़बड़ कर दी है इस साइड पे आके। मुझे नहीं पता अभी मैं जीतने भी वाला हूँ या नहीं जीतने वाला, तो कोशिश तो मेरी जीतने की रहेगी। ओके, तो भाई गड़बड़ कर दी मैंने, लेकिन अभी देखते हैं क्या होगा। मैं बातों बातों में जिमी के साथ यहाँ पर आ गया दूसरी जगह पे, और मुझे जाना कहीं और ही था। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से भी सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि मैं सीढ़ियों से चढ़ भी पाऊंगा या नहीं चढ़ पाऊंगा। ओके भाई, फाइनली मैं सीढ़ियों से तो चढ़ गया यार। ओके, जिमी आ रहा है बहुत तेजी से, लेकिन जिमी को मैं हरा दूंगा आई थिंक सो। ओके, जिमी भाई बहुत तेजी से आ रहा है, मुझे नहीं पता जिमी इतनी तेजी से आ कैसे रहा है। ओके, जिमी तो भाई पहुंचने वाला है वहां पे, और हम हारने वाले हैं इस टाइम। ओके, तो भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जिमी जीत चुका है और हम हार गए। ओके, तो भाई अभी भी हमारे बेटे ने बोला कि अब मैं तो जीत गया हूँ और तुम मुझे एक टीवी दिलाओगे। ओके, तो अभी भी माइकल बोल रहा है अपने बेटे से कि शायद से अब हम मजे कर रहे हैं, मतलब बाप बेटे की तरह प्रॉपर एकदम मजे कर रहे हैं, जैसे बाप बेटे होने चाहिए। Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, okay. But it's true. I mean, according to her. तो ये अपनी बहन के बारे में कुछ गलत बातें बोल रहा है, और माइकल बोल रहा है कि तुम अपनी बहन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। Actually, it's all happening right out there. Okay. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young impressionable girl drop her pants and spread her legs. Oh, bhai sahab. The reason you brought me here, isn't it? You fuck. Oh, bhai sahab. तो अभी माइकल के बेटे ने ये बोला है कि जो सामने बोट दिख रही होगी आपको, वहां पे हमारी बेटी है माइकल की, और वहां पे भाई वो शायद से किसी गलत लोगों के साथ है, मतलब गलत संगत में है वो एक तरीके से ओवरऑल। तो अभी हमें शायद से उसको वहां पे जाके बचाना होगा, या फिर उससे वहां से जो भी जिन भी लोगों के साथ वो है उसे वहां से लेकर आना होगा। तो अभी देखते हैं। और माइकल ने अपने बेटे से भी बोला कि तुम मुझे इसलिए यहाँ पर लाए हो कि क्योंकि तुम मुझे ये सब दिखाना चाहते थे। तो माइकल उसको गाली बक के यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, तो बोट के पास जल्दी से जाते हैं, फिर देखते हैं मैं करना क्या होगा। बोट यार ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन बोट ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि हम स्विमिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा स्लो भी नहीं कर रहे हैं, फास्ट ही कर रहे हैं, लेकिन पानी में मतलब टाइम लगता है थोड़ा सा आगे जाने में, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है वहाँ पहुँचने में। ओके, पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, तो अब जल्दी से वहाँ पे चल के देखते हैं और देखते हैं करना क्या होगा। तो यहाँ पे बोट्स भी खड़ी हैं, मतलब मोटर बोट्स खड़ी हैं नीचे, तो शायद से हो सकता है इनकी भी हमें मदद की ज़रूरत पड़े बाद में। ओके भाई, हमारी पावर कम हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब तैरते तैरते पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो फाइनली हम पहुँच तो चुके हैं यहाँ पे, और अब हमें शायद से ऊपर जाना होगा। यहाँ पे गाने वगैरह बज रहे हैं। ओ भाई, तो यही है माइकल की बेटी जो डांस कर रही है यहाँ पे। ओके, ओ भाई साहब, पूरा का पूरा स्पीकर ही फेंक दिया माइकल ने।
Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. Okay. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Oh, yeah. Stop. You got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? तो ये कुछ गलत चीजें शूट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और माइकल नहीं चाहता कि वो सब इसकी बेटी करे, तो यहाँ पे माइकल अपनी बेटी को ले जा रहा है। ओके, तो माइकल की बेटी बोल रही थी उससे कि तुम मुझे मतलब तुम मतलब बेइज्जती कर रहे हो इस तरीके से करके, और ये मेरे साथ दोस्त हैं। तो भाई अब ये इसके जो दोस्त हैं लड़की के, यानी माइकल की बेटी के जो दोस्त हैं, उनको गुस्सा आ गया और वो शायद से हमारा पीछा करने वाले हैं। फिलहाल तो हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने वाले हैं, अब देखते हैं क्या होगा। ओ भाई, ओके, तो भाई ये हमारा पीछा करने वाले हैं और अभी देखते हैं क्या होगा। और ये भाई फायरिंग कर रहे हैं हमारे ऊपर। ओके, तो या तो इन्हें मारना होगा, इन्हें वैसे मारना ही है क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का साइन बना हुआ है, तो इनकी जल्दी से बैंड बजा देता हूँ मैं। अबे यार, ओके, तो इसकी मैं यहाँ पे भाई साहब इन्हें शूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यार ये बहुत तेज भाग रहे हैं इस टाइम, तो शायद से हमें उस टनल के अंदर जाना होगा, फिर इनको बजाने होगा इनकी बैंड को। ओके, तो भाई अब हमें इन पर फायर करना होगा। ओके, मैं समझ गया, ले भाई। ओके, ये तो गया, इसे तो मार दिया। ओके, ये तो गया भाई, ठीक है भाई, फाइनली दोनों को मार दिया हमने। इन पे निशाना लगाना काफी मुश्किल था क्योंकि पानी में रहने की वजह से बहुत ज्यादा हिल रहे थे। ओके ओके, तो भाई माइकल की बेटी अभी ये बोल रही है कि जो तुमने करा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने वाकई में मेरे दोस्तों को मार दिया। तो माइकल ये बोल रहा है अपनी बेटी से कि वो लोग ठीक नहीं थे बिल्कुल भी, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया क्योंकि वो तुम उनके अगर संगत में रहोगी तो सही नहीं रहेगा। ओके, तो भाई हम फाइनली हमें यहाँ पे उतरना है, ठीक है। ओ भाई भाई माइकल की बेटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है इस टाइम अपने भाई पे, क्योंकि इसके इसको पता चल गया है, इस लड़की को मतलब माइकल की बेटी को पता चल गया है कि माइकल के बेटे ने ही बताया था कि माइकल की मतलब बेटी यानी उसकी बहन, उसके भाई की बहन कहाँ पर थी। ओके, तो भाई माइकल की बेटी बोल रही है कि ये तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक तो हमने मतलब उल्टा बचाया उसकी अपनी बेटी को, माइकल की बेटी को बचाया, और ऊपर से वो उल्टा बोल रही है कि हमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तो भाई इसके बच्चे जो दिखाए बहुत ज्यादा बिगड़े हुए दिखाए गेम में, और माइकल बहुत ज्यादा परेशान रहता है इसी बात को लेके। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन कौन सा है, वहां पे चलते हैं। फिलहाल तो माइकल ने स्मोकिंग करके हटाई है। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन कौन सा होगा। तो अभी मैं काम करता हूँ जहाँ पे, ओके, मैं सबसे पहले तो बाइक ले लेता हूँ भाई अपनी, और बाइक लेने के बाद जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहा है वहाँ पे चल के देखते हैं कि हमें वहाँ पे मिलेगा क्या। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी लोकेशन सेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास में ही एक क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे हमें जाना होगा। ओके, तो मैंने सेट कर ली लोकेशन, और अभी चल के देखते हैं हमें वहाँ पे क्या मिलेगा। ओके, तो जब भी क्वेश्चन मार्क बने हुए आते हैं मैप्स पे, तो हमें पता नहीं होता कि वहाँ पे कौन मिलेगा हमें। फॉर एग्जांपल जैसे एल बना हुआ आ रहा है मैप पे, तो उसका मतलब है लेस्टर यानी माइकल का दोस्त जिसे हम जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वहाँ पे हमें खुद को नहीं पता कि वहाँ पे हमें मिलने तो मिलने वाला क्या है। तो भाई यहाँ से हम बाहर निकल गए, ये कोई मेले टाइप की जगह थी जहाँ पे हमने अभी भी अपनी बेटी को बचाया था। ओके, जहाँ से हम अपने दोस्त जहाँ पे अपने बेटे के साथ रेस लगाते हुए आए थे वो एक मेले टाइप की जगह थी, तो वहाँ से बाहर तो हम निकल चुके हैं। यार ये कार देखो कितनी अच्छी लग रही है, तो मैं काम करता हूँ ये वाली कार ले लेता हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कार कैसी लग रही है, ये कार बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइज हुई थी ये कार। ओके, तो भाई ये कार बहुत ज़्यादा बढ़िया चलने वाली है मेरे ख्याल से, ये आवाज़ ही नहीं कर रही बिल्कुल भी, ये शायद से कोई मोटर बाइक है, सॉरी मोटर कार। ओके, कार बहुत अच्छी चल रही है यार ये। ओके, तो यहाँ देखते हैं हमें कौन मिलेगा। यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, शायद से ये कोई मुझे कोच लग रही है। Message for me, get off your fat ass. See this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. Okay. I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Okay. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. तो भाई माइकल बोल रहा है कि मुझे अपनी बीवी के लिए एक योगा टीचर चाहिए, और वो तुम शायद से मेरी बीवी के लिए बन सकती हो। Seem a little upset. Still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart. All state QB. Okay, तो भाई अभी भी शायद से हम इस लड़की के साथ कोई रेस लगाने वाले हैं, और माइकल ने इस लड़की को बोला कि मैंने तो वैसे स्कूल में हाई स्कूल में प्ले फुटबॉल वगैरह खेला हुआ है, तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। ओके, तो भाई लड़की बोल रही है कि हमें बीच के पास जल्दी से जाना होगा, और मैं ये रेस जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती हूँ।
और भाई लड़की बोल रही है तुम बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे हो क्योंकि तुम मतलब एक पाथ पे मतलब सीधा सीधा नहीं चल रहे, तुम इधर उधर भाग रहे हो। वैसे हम चीटिंग तो नहीं कर रहे, चीटिंग तो कहीं से भी नहीं कर रहे हैं, मैं बस थोड़ा सा शॉर्टकट वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। ओके, तो भाई माइकल की बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है इस टाइम, क्योंकि माइकल की बहुत ज़्यादा उम्र भी है इसीलिए वो लड़की माइकल से तेज़ भाग पा रही है। वैसे तो मैंने उसे बीट कर दिया काफ़ी हद तक। ओके, तो भाई लड़की बहुत ज़्यादा एकदम खूंखार टाइप की लग रही है, चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम। ओके, तो देखते हैं भी हमें करना क्या होगा। ओके, यहाँ सीढ़ियों से उतरना है, ठीक है। तो सीढ़ी पे जब हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो हमारी स्पीड हो जाती है, कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पर रेड हमारी हेल्थ होने लग गई है, और रेड हेल्थ होने के बाद हम मर भी जाते हैं, तो भागने की वजह से हमारी हेल्थ रेड हो गई है, क्योंकि माइकल की उम्र बहुत ज़्यादा है, तो हमें जल्दी से इस रेस को कम्प्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो भाई हम तो मर जाएंगे। ओके, तो लड़की बोल रही है लास्ट पॉइंट रह गया जिसे हमें पकड़ना होगा। अबे भाई साहब ये तो आगे निकल गई। ओके, मुझे इसे फिर से हराना होगा। ओके, हमारी हेल्थ ज्यादा नहीं बची, थोड़ी सी बची है, और इतनी हेल्थ से हम मर भी सकते हैं, और अभी देखते हैं भाई होगा क्या यहाँ पे। ओके, तो जीतने वाले हम, जीतने वाले, जीत गए। ओके भाई, फाइनली जीत गए हम। और माइकल का हार्ट इतना ज्यादा मतलब धड़क रहा है कि वो बाहर भी निकल सकता है, पकड़ के खड़ा हुआ माइकल अपने दिल को। ओके, माइकल की, माइकल से लड़की बोल रही है कि तुमने बहुत ज्यादा शॉर्टकट लिए इसलिए तुम जीत पाए, ये एक तरीके से झूठी बोल रही है। ओके, तो क्या हमें इसके साथ, नहीं हमें इसके साथ और ज्यादा रेस नहीं लगानी, वो तो निकल गई। तेरा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर इसे जरूर से लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आ गया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं कभी भी चैनल पर कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपकी कोई भी गेम प्ले सीरीज या वीडियो मिस ना हो। और मैं गेम प्ले सीरीज को अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना मुझे इसे कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।